हेलो मैम, मैं ये मदर डेयरी पे खड़ा हूँ। ये जोर बाग की मेरे को इसने मदर डेयरी वाले ने बहुत मारा मैम, मेरा फोन वोन सब तोड़ दिया। मेरी कोई गलती है तो बताओ यार, मैं दिन भर काम कर रहा हूँ, मेहनत से खा रहा हूँ, इसके 20 रुपए 30 रुपए लेके जाऊंगा क्या मैं? ये समा जाओ, इसके कुछ पैसे लेके जाऊंगा क्या मैं? आप बताओ यार, दिन भर काम करता हूँ, रोज इसी मोहल्ले में डिलीवरी करता हूँ मैं। कोई बात नहीं, नहीं मार रहे, चलो कोई बात नहीं। मेरा फोन तोड़ दिया यार, 14,000 रुपए का भी क्या मारा इसने? जो भी स्क्रीन चढ़ जाएगी, 100 रुपए की स्क्रीन चढ़ जाएगी, ऐसे नहीं करते अच्छे। मैं तो 2 नंबर पे कंप्लेंट करूंगा भाई, इसने मेरा फोन तोड़ दिया अभी। मरम्मत कर सो ना, अभी करूंगा भाई मैं 2 नंबर पे कंप्लेंट। 1 मिनट में तेरे लिए भाई, माँ कसम खा रहा हूँ, मेरी माँ मर जाए अगर मैं यहाँ से भी आगे गया हूँ। मैंने देखा नहीं, इसने मेरे को तुरंत मार जा रही, मैं तुरंत आया, मैं तेरे पैसे ना तेरे मुंह पे दे के मारता भी 1 मिनट में, समझ गया ना? मैं कोई भाई क्यों भागूंगा मैं तेरे को? ये गलतफहमी हो रही है, मैं भाग रहा हूँ पहले काउंटर, समझ गया ना? यार तेरे को गलत, अरे भाई साहब मैं यहाँ तक पहुंचा, मैंने देखा नहीं तो आप बाइक लेके क्यों गए जब आपके पास? अरे भाई साहब मैंने देखा, कोई भी है अगर मैंने उठाया। यार मैं क्यों भागूंगा मैं तेरे, तुमसे बात करते करते इसमें डाल रहा हूँ सामान। आपने मेरे को बोला ही नहीं भाई पैसे, मैंने कभी देखा ही नहीं पैसे वाला सिस्टम, कभी कस्टमर को पैसे देके भाई करा ही नहीं। यार काउंटर का मतलब एक है यहाँ पर पहले, अरे भाई साहब इसमें कभी आए नहीं स्विगी से, पूछा मैंने आते ही इनसे पहले पूछा, मैंने इनसे पहले आते ही पूछा, पहले करते नहीं, पहले पेमेंट करो फिर काउंटर को छोड़ना होता है। तुम्हारी गलती तेरी है अपने भाई, उल्टा ये बोले भाई, मैंने बोला इनने मेरे से बोला। अब क्या बात है भाई, मैं 100 नंबर मेरा फोन तोड़ दिया भाई, मैं 100 नंबर पर क्या करेगा? पूरा स्क्रीन तोड़ गया, 3,000 रुपए ये देगा भाई, स्क्रीन कार्ड टूटा भाई, मैं 100 नंबर फोन करूंगा भाई, इनने मेरे को मारा भी है। मारा किसने? बिना पैसे दिए जा रहे भाई, मैं जाऊंगा ही क्यों? बिना पैसे दिए क्यों जाऊंगा मैं, ये बताओ क्यों भाई? इनने रोका, मैं आ गया तुरंत ही, मैं पैसे दे रहा हूँ, ये मेरे को उल्टा बोला, गाली बक रहा है भाई, और मेरे को मारने मार रहा है तुरंत ही भाई। ये करूंगा भाई, अभी कर रहा हूँ, 1 मिनट रुक, अभी कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। यार देख ले, कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, तो कोई बात नहीं, देख लो आपस में निपट लो यार, अभी कर रहा हूँ। मारने का लेते ना, अरे हेलमेट तो नंबर भी तो उसकी सर पकड़ में पड़ जाती भाई साहब। कौन मार रहा था भाई? इसने मेरे घुसंड दिया मुंह पे भाई, 1 मिनट में ना कुछ बोला ना कुछ, मैं सब पैसे दे रहा हूँ भाई। मैं कह रहा भाई बता तो सही क्या हो गया, चलो तू कैसे कर रहा है, भाग क्यों रहा है? मैं क्यों भागूंगा भाई, मेरे को ये बता, कोई डिलीवरी बॉय भागता है क्या? ये बताओ क्यों भागूंगा मैं, इधर छोड़ दे रहा हूँ यार। कंपनी में सारे डॉक्यूमेंट लगे हैं, सारी बाइक आईडी लगी है, तू 1 मिनट में, तेरे पास आई है रिसीविंग, तू चेक कर ले भाई, कहाँ जाऊँगा भाग के, तुरंत पैसे ले अपने। पूरी गई है मेरी स्क्रीन, तोड़ दी भाई स्क्रीन, गई है स्क्रीन कार्ड, नहीं पूरा टूट गया, 3,000 रुपए 3-4,000 रुपए। अरे मैं तो खुद करा कर रहा आज स्क्रीन टूट गई थी शादी, अभी कब आगा बात करता हूँ स्विगी में, अभी एक फोन नंबर की FIR करूँगा सीधी। हाथ नहीं उठाना चाहिए ना, हेल्पलाइन नंबर 2 मिनट में आते हैं, 112। इतना गर्मी 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 चाहिए बात। अरे भाई साहब मैं तो तुरंत आ गया बाबा जी, मैं कहीं गया भी नहीं यार, तेरे पैसे ले, तू पैसे ले भाई मेरे से, उल्टा बोल रहा मानने का भगया है, तुरंत ही उठ के बाहर आ गया, उल्टा तो मैंने बोला है मैंने, अच्छा मैं ऐसे उल्टा बोलता तो रोज पिट रहा होता भाई मैं भाई। मैंने इनने मेरे से बोला तू क्या कहाँ भाग गया तू, मैंने भाई आप ऐसे क्यों बोल रहे, तमीज से तो बोलो बड़े भाई, मैंने कहा तुमने कुछ उल्टा बोला, कह रहा बोल क्या करेगा, मारू बताऊ क्या लिया था भाई? इनके पास मैंने नहीं लिया कुछ भी, कस्टमर का आया ऑर्डर है मेरे पास, मैं आया भाई इनके पास, मैंने इनसे पूछा, मैंने इनसे पूछा कि भाई तुम ये सामान भी देते हो क्या? ये कह रहे कभी कभी आ जाते हैं भाई लेने, मैं सोचा भाई कस्टमर ने पे कर दिया होगा पैसे, मैंने देखा है अपने अंदर भाई लिख के आया, मेरे को समझ नहीं आया, मैंने कर दिया, अब मैं यहाँ से जान लग गया। ये भाई कहता पैसे यहाँ से बुलाया, मैं तुरंत आ गया भाई, मैं तो दिखाई नहीं भाई। हाँ ये बात है, मैं कोई अपना सामान थोड़ी लेके जा रहा हूँ भाई साहब, तेरे पास मेरी आईडी आ रही है, तेरा मेरा बाइक नंबर आ रहा है, तेरा मैं चोर हूँ क्या, मैं भाग जाऊंगा क्या लेके यार? इसकी 2 आइटम ये है, ये बताओ भाई भाग जाऊंगा क्या यार, ये बताओ तुम भाई। हेलो हेलो आवाज आ रही है सर? गलत
बताओ यार, तुम बताओ यार, मेरी कोई गलती है तो बताओ। कस्टमर से बात करते भाई कि तुम्हारा लड़का पैसे नहीं दे गया, ये कोई दिक्कत होती कोई मेरे, मैं आ रहा था ना भाई, मैं भाग तो नहीं रहा था। पैसे आए थे वहाँ से, रिसीव हुए थे जिसने ऑर्डर किया था उन्होंने भाई। 112 बताओ। कितनों के सामान बहुत घर घर ले जाए, मेरा फोन छूट जाता है भाई बहुत। हेलो मैम, मैं ये मदर डेयरी पे खड़ा हूँ, ये जोरबाग की, मेरे को इसने मदर डेयरी वाले ने बहुत मारा मैम, मेरा फोन वोन सब तोड़ दिया। ये कौन सा थाना लगता है? लोधी कॉलोनी लगता है मैम। 21 ब्लॉक है मैम। एक कस्टमर का ऑर्डर भेजा था, मैं स्विगी से बात कर रहा हूँ, तो मैं कस्टमर इसके पास आया मदर डेयरी के पास, तो मैंने इनसे सामान ले लिया, लेने के बाद इसमें पैसे का नहीं दिखा रहा था, तो मैं थोड़ा सा आगे चला गया हल्का सा, इनने मेरे को आवाज़ मारी, मैं वापस आया। ये मेरे से यूँ कहते हैं कि तू भाग के कैसे गया, बता तू भाग के कैसे गया। इनने मेरे 2-3 घुसंडे दिए मेरे मुँह पे, बहुत तेज़ मारा इनने मेरे को। जी मैम आ रहे हैं। हाँ मैं कस्टमर को और बता देता हूँ एक बार, मैडम इनने मेरे को मारा है भाई, इनने मेरे को मारा है मैडम अभी बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली क्या हुआ, आपने इसको पैसे नहीं पे करे होंगे, तो उसमें पैसे का नहीं आ रहा था मेरे पास, तो मैंने जब सामान पिक कर लिया ना उसके पास पैसे का दिखाया, तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गया, आगे बढ़ते ही इसने मेरे को पीछे बुलाया और कह रहा यहाँ से भाग क्यों रहा था, भाग क्यों रहा था, और मेरे 2-3 इसने जड़ दिए गणपट्टी पे। मैम पैसे नहीं, अब तो मैंने 100 नंबर पे फ़ोन कर रखा मैडम, इसने मेरे को मारा गया था मैम, अभी आ रही है पुलिस, उसके बाद मैं आता हूँ आपके पास। टाइम पे आ गई पुलिस। नहीं नहीं क्योंकि ये तो तेरा चालू है, ये चालू है सर। ठीक है चालू। क्या नाम है तेरा? इसका लिख लेंगे सर, चलते चलते मोबाइल मिल जाएगा, मोबाइल मिल जाएगा, अंदर हो जाए अंदर। तो पब्लिक हुआ क्या था देखो, उसमें हुआ क्या था कि स्विगी वाला था, वो आया था अपना ऑर्डर लेके, फिर थोड़ी मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, फिर उसने मदर डेयरी वाले ने उसको मारा, लेकिन गलत क्या किया पता है, उसका फ़ोन तोड़ दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए यार, फ़ोन भी तोड़ दिया, एक तो ज़्यादा कमा भी नहीं रहा बेचारा, उसका 14,000 का फ़ोन था, कैसे कैसे फ़ोन लिया होगा और वो तोड़ दिया क्या यार। हाँ नहीं सही कह रहा हूँ, मुझे क्या लगता है कि एक तो आपने चीज़ क्लियर नहीं की भाई, वो सिंपल सी बात है, देखो जब कोई ऑर्डर लेने आता है ना, तो स्विगी वाले बंदे जब जाते हैं ऑर्डर लेने, तो ऑलरेडी किसी ने ऑर्डर किया स्विगी से, दुकान पे ऑर्डर लगा है, उनको पेमेंट बाद में कंपनी के थ्रू होता है, जब कंपनी को मिलता है वो पेमेंट करती है। अब मदर डेयरी वाले को ये चीज़ लगता है क्लियर नहीं थी, उसने ना उसकी बात सुनी, उसने उसको मारा वहाँ पे, ह्यूमिलेट किया यार, किसी को भी अगर तुम सीधी सी बात सबके सामने मारोगे क्या इज्जत रह जाएगी। तो 14,000 का फोन, एक स्विगी वाले बंदे को 14,000 रुपए कमाने में कितना टाइम लगता है आपको, मैं क्या बताऊँ, हार्डली यार एक 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 डिलीवरी पे 20-25 रुपए मिलते हैं, बंदा दिन की 20 डिलीवरी करे तब जाके उसका खर्चा निकले, पेट्रोल का खर्चा निकले और कुछ पैसा 2 पैसा कमा ले यार। तो यार ये बहुत गलत था, मुझे तो लगता है कि इस पर मतलब एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए एटलीस्ट यार, कम से कम अगर कोई लीगल एक्शन ना हो तो कम से कम जो उसका लॉस हुआ है वो तो पूरा ही करा, वो तो लॉस तो पूरा ही किया जाएगा, कम से कम उसका फोन तो वापस कर दोगे, कि बंदा कितनी मेहनत से फोन लेता है।
यार तो प्लीज यार मेरा यही आप लोगों को सपोर्ट है कि प्लीज इसको शेयर करिए, और मतलब कि इसको यार चाहिए जस्टिस, इसके लिए होना चाहिए। ये गलत है, बहुत ही गलत है, क्योंकि बंदा कोई भी होगा फोन बहुत मुश्किल से लेता है ना, उसका फोन तुम तोड़ दिए यार, उसी से उसका काम चल रहा था, घर चल रहा था उसका। जैसा हम लोग आज ये शेयर कर रहे हैं, तो ऐसा अगर आप लोग के सामने कभी हो किसी के साथ, तो प्लीज आप उस पर भी उसको एक्शन लीजिए। ये नहीं कि इग्नोर कर दिया हमसे क्या मतलब, प्लीज यार अगर हम ही लोग एक साथ रहेंगे ना, तभी शायद हम लोग किसी सच के लिए खड़े हो पाएंगे और आगे काम कर पाएंगे यार। सो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना आप, ताकि उसको जस्टिस मिल पाए। सो आज की वीडियो यहीं तक, ओके, चलिए बाय।